Audio Jungle. महोबा में पेयजल परियोजना पड़ी हुई है ठप। आपको बताना चाहिए प्रदेश जनपद महोबा में जल निगम द्वारा बनाई जा रही परियोजना अगस्त 2019 से ठप पड़ी हुई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली इस परियोजना में 28 करोड़ से भी अधिक की लागत स्वीकृत की गई थी, जिसके तहत फुलपहाड़ तहसील के 25 ग्रामीण अंचलों तक पानी पहुंचाना था। लेकिन अगस्त 2019 में इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य अब तक रुका हुआ है। वही पूर्वा जैतपुर गांव के बांध में विभाग द्वारा करवाया जा रहा कार्य ठप पड़े होने के अभी भी ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। बताते चले कि महोबा के जनपद जैतपुर गांव में पेयजल पाइपलाइन परियोजना के तहत फुलपहाड़ तहसील में आने वाले 25 गांव तक पानी की सप्लाई पहुंचाने जानी थी। करोड़ों की लागत से संचालित की जाने वाली इस योजना के प्रति विभागीय हीला लवाही के चलते ये परियोजना आज भी आधी अधूरी पड़ी हुई है। वही दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता बहुत दिक्कत में है। सर, अगर ये परियोजना लागू हो जाएगी तो जहाँ तक मेरा संज्ञान है कम से कम 25 गांवों के लिए जो पेयजल की एक विषम किल्लत है, खासकर बुंदेलखंड के इस क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी लोगों को। मैंने देखा है यहाँ पर जो है एक एक बाल्टी पानी के लिए लोगों को मारामारी करते हुए, तो ये अगर हर घर में पानी पहुँचेगा और शुद्ध साफ पेयजल लोगों को बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। ये हमारे चारों तरफ विद्यालय परिसर ये इस समय पर ऐसे लगता है जैसे बंजर इलाका हो, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो गया तो चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी, क्योंकि जो है पानी के वजह बना सब सुना है, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पेड़ पौधे या कुछ हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो पेयजल की किल्लत से तो निजात मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर चारों तरफ फल फूल वाले पेड़ पौधे और चारों तरफ हरियाली, ऐसे लगेगा कि जैसे हम किसी जन्नत में खड़े हों। ये योजना जो बन रही है हमारे मझगुआ जलाशय में, ये बहुत बड़ी योजना है। 25 गांव को पानी जाना है इसको, और 25 गांव इसमें आशा लगाए बैठा हुआ है कि ये योजना कब चालू हो जाए, और इस योजना से 25 गांव को बहुत खुशी है वो जल्दी ये चालू हो जाए। कुछ गांव ऐसे हैं कि उसमें बड़ा संकट रहता है, जैसे हमारे गांव में है तो तालाब भी है नदी भी है, तो इस गांव को लेके नहीं, 25 गांव को लेके बहुत बड़ी योजना है, और इसको जल्दी से जल्दी ये चालू हो जाए तो 25 गांव इसको बैठ मतलब देखते हुए। जो तालाब से जो टंकी बन रही है उससे WDP बन के और ये 25 गांव को सप्लाई होगी इस गांव ये तालाब से।